हे गाइस, आई एम सत्यम फ्रॉम द टेकी फ्रेंड्स एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम ग्रिड सिस्टम और उसके एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप का बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट है और इसका यूज आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए और वेबसाइट को क्रिएट करने में करते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा से हम और डिटेल में जाके समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपको एक एक जो आप वेबसाइट कोई भी आप क्रिएट करते हैं, उसे क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मतलब आपको सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को देखना होता है कि आप सिर्फ एक डिवाइस के लिए नहीं आप वेबसाइट को अपने क्रिएट करते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि आपको आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है, हमें ये वेबसाइट क्रिएट करनी है और इसको हम सिर्फ लैपटॉप के लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो वेबसाइट है आप इसे लैपटॉप में खोलेंगे तो ही आपने इसे जैसे डिज़ाइन किया वैसे ही खुलेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमें देखना होता है कि जो हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं वो हर डिवाइस के लिए कंपेटेबल हो, और इसीलिए हम बूटस्ट्रैप को पढ़ते हैं। और बूटस्ट्रैप ने भी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि आप ग्रिड सिस्टम का यूज करके और बहुत ही ईजिली आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए एक फ्लेक्सिबल वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ग्रिड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वेबसाइट को अपने रोज एंड कॉलम के फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप रोज डिफरेंट डिफरेंट आप रोज क्रिएट करेंगे और उसमें कॉलम्स के फॉर्म में आप जो भी आपका कंपोनेंट है उसे आप वहाँ पे अपने लेआउट को जिस तरीके से आप स्टेबल करना चाहते हैं उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं। अभी देखिए, हम इस चीज़ को भी आगे चल के पढ़ते हैं। अभी आपको मैं कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो ग्रेड सिस्टम होता है ये मेनली थ्री थिंग्स से मिलकर बना होता है, तीन चीज़ों से। सबसे पहला जो होता है वो कंटेनर होता है, ठीक है, देन उसके बाद रोज एंड देन उसके बाद कॉलम्स। अब फ्रेंड्स, ग्रेड सिस्टम हमें ये अलाउ करता है कि आप अपने जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें आप सिर्फ 12 कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं और आप रोज की कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना मन आप उतना क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसा कि स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये 12 लिखा हुआ है, यानी कि 12 कॉलम्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं। आप जो ये 1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि आप जो अपने वेबसाइट में सबसे छोटा जो कॉलम आप क्रिएट कर सकते हैं वो उसकी साइज जो होती है वो 1 होती है। आप इस रेशियो को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको 4 और इस साइड लेके 8 की कॉलम क्रिएट करनी है, तो इधर आप लेफ्ट हैंड साइड 4 का क्रिएट कर लीजिए, देन उसके बाद राइट हैंड साइड 8 का क्रिएट कर लीजिए। यानी कि ये रेशियो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट को कितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉलम्स में आप उसे डिवाइड करना चाहते हैं। अभी जो हमने देखा था अपने इस पीछे वाले ट्यूटोरियल में, यानी कंटेनर, रोज और एंड कॉलम्स को, तो हम एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंटेनर होता है ये अपने अंदर रोज एंड कॉलम्स को कंटेन किए हुए होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप जब अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले जो आपका टैग होगा वो कंटेनर होगा, देन उसके बाद आप रोज एंड कॉलम को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि जो आपका कॉलम्स होता है उसे आप 12 से डिफरेंट डिफरेंट साइज में उसे आप डिवाइड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो ये कंटेनर होता है ये मेनली 2 टाइप से होता है। पहला सिर्फ कंटेनर होता है, देन उसके बाद कंटेनर फ्लूइड होता है। अब इस चीज़ को हम कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड को एक हम इमेज के थ्रू समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, ये एक ग्राफ कॉपी है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी आप इसमें ग्राफ को ड्रॉ करते हैं आपको क्या करना होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से इतना इतना लगभग स्पेस छोड़ के आप जो भी आपको अपना वर्क करना होता है आप इसके अंदर ही करते हैं। तो यानी कि हमको जो भी चीज़ें हमको करनी होती हैं वो सिर्फ इन दो लाइन के बीच में करनी होती है। फ्रेंड्स, अगर आप इस ग्राफ कॉपी को थोड़ी देर के लिए अपने कंप्यूटर का स्क्रीन मान लीजिए, तो जो कंटेनर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि यानी जब आप कंटेनर क्लास को यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में तो वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से दोनों साइड से लगभग इतना इतना स्पेस छोड़ देगा। यानी कि अब आप अपने वेबसाइट में जो भी चीज़ें यूज करेंगे वो इन दोनों लाइंस के बीच में होगा। चलिए एक और इमेज देख के हम और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए अपने अपने जो वेबसाइट है उसमें आपने कंटेनर को यूज किया, इसकी जो फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है वो 1170 पिक्सल्स होती है। अब आपने इसे यूज कर दिया और ये आप मेरी कंप्यूटर की जो ये जो पूरी स्क्रीन है
ये देखिए, अगर आपने कंटेनर को यूज किया है तो ये जो आपकी वेबसाइट है सिर्फ इतना मतलब इतने के अंदर ही वो क्रिएट करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लगभग इतना इतना स्पेस छोड़ देगा, जिसे हम मार्जिन कहते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं कंटेनर फ्लूइड पे कि वो क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो कंटेनर फ्लूइड होता है, आप देख रहे होंगे कि ये कंटेनर के कंपेयर में यहाँ ये थोड़ा से बड़ा है, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये लगभग आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है लगभग उसके साइज का होता है, लेकिन ये बहुत थोड़ा से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में थोड़ा थोड़ा से मार्जिन ये छोड़ देता है। फ्रेंड्स, अभी हम इस ट्यूटोरियल्स में इसे एक थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, जब अभी हमारा जो दूसरा ट्यूटोरियल आएगा उसमें इस चीज़ को जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अब ये जो कंटेनर होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, जो ग्रिड सिस्टम होता है, बूटस्ट्रैप ने इन सब के लिए कुछ क्लासेस दी हुई हैं। चलिए उन क्लासेस को हम एक एक करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला क्लास होती है वो COL-XS होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा स्मॉल, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको अगर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे किस तरीके से दिखे, तो आप COL-XS का यूज करेंगे। और COL का मतलब होता है कॉलम, जिसको हम शॉर्ट में कोल बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आती है वो COL-SM, यानी एम जो स्मॉल डिवाइस होते हैं उनके लिए। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक एक करके जब हम इसका यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी आप बस इसको ऐसे ही देख लीजिए। देन उसके बाद COL-MD होती है, जो कि मीडियम डिवाइसेस के लिए होती है। देन उसके बाद LG, जो कि लार्ज डिवाइसेस के लिए होती है। तो मैंने थोड़ा से कोडिंग का पार्ट इसमें रखा है, हालांकि मैं आपको कोडिंग करके नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको बस मैंने पहले से उस कोड को करके रखा है, जिससे मैं आपको बस इन सारी चीज़ों को, जो ये क्लासेस हैं, इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा से कोड पहले से करके रखा हुआ है, जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है, जो आप येलो कलर में देख पा रहे होंगे, इसका मतलब जो आई मीन कि ये जो कंटेनर क्लास है, इसके अंदर रो लिखा हुआ है और उसके अंदर हमने तीन कॉलम को डिवाइड किया है। जो पहला कॉलम है उसके सिवाय उसकी साइज हमने 2 दी है, और जो हमारा सेंटर वाला कॉलम है उसकी साइज हमने 8 दी है, और जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम है उसकी साइज 2 दी है। तो इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। और अगर आप अपने वेबसाइट में इस तरीके से इस कॉलम को डिवाइड करते हैं तो जो आपका लेआउट, यानी जो फ्रंट एंड आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले की साइज हमने 2 दी हुई थी, देन सेंटर की जो साइड थी उसकी साइज जो था वो हमने 8 दिया हुआ था, और जो राइट हैंड साइड वाला था उसको हमने 2 दिया हुआ था, ठीक है। चलिए, दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं करके दिखाता हूँ। और देखिए, इस कोड में मैंने क्या किया है कि जो हमारी जो भी कॉलम की जो साइज थी, यानी मीडियम डिवाइसेस के लिए, हमने उन सारी साइज को 4-4 कर दिया है। अब यानी आप 4-4 को ऐड करिए तो यानी ये 12 आएंगे, ठीक है। जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने जो वेबसाइट होती है उसमें आप कॉलम को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो लेआउट आएगा, यानी जो इसका आउटपुट आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली को 4 दिया, अब ये थोड़ी बड़ी है, उसके बाद राइट हैंड साइड वाली, देन उसके बाद माफ कीजिएगा, सेंटर वाली, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इन चारों की जो साइज है वो 12-12 है। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है, इसका मैंने अलग से CSS दिया है, ये खैर इसकी वजह से नहीं आ रहा है, मैं आपको इसे बाद में बताऊंगा जब मैं इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करूंगा। सो गाइज, ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने कंटेनर यानी ग्रिड सिस्टम के बारे में देखी। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो उसे आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।